हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडु साइंस टीच क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपके से एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जो मैंने अभी मैस्लो की थ्योरी बताई थी फ्रेंड्स, तो उसमें जो स्टेप्स, पहला स्टेप्स बताया था वो गलती से, सॉरी फ्रेंड्स, वो उसमें मैंने साइकोलॉजी बोल दिया था, लेकिन वहाँ पर वो फिजियोलॉजी लिखा है फ्रेंड्स। तो फिजियोलॉजी में जो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या आते हैं कि फ्रेंड्स, उसमें हमारे बेसिक नीड्स में जैसे कि फूड आता है, वाटर आता है, एयर आता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर उसको हम फिजियोलॉजी में रखते हैं। तो यानी फर्स्ट स्टेप में फिजियोलॉजी में हमारा जो बेसिक नीड्स है, फूड, वाटर, एयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ मेरे गलती से प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। आगे से मैं ध्यान रखूंगा फ्रेंड्स। वो जल्दबाजी में मेरा ध्यान, मैं सोचने में लगा था कि आपको कैसे अच्छे तरीके से और बताऊँ कि आपको ये हायरार्की ऑफ नीड्स समझ में आ जाए। तो उस चक्कर में मेरे दिमाग में वो फिजियोलॉजी वहाँ पर लिखा जो लिखा था, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स वो दिमाग में मेरा वो माइंडसेट हो रहा था कि मैं आपको किस तरह से हायरार्की ऑफ नीड्स समझाऊँ कि आपको वो वहाँ पर स्टेप्स याद रहे और समझ में आ जाए कि उसका मतलब उसमें क्या है, ताकि आपको सीटेट में वो अच्छे तरीके से, मैं मतलब मेरा समझाने में मेरा मेन फोकस था फ्रेंड। तो वहाँ पर वो उस कारण मेरे से वो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर वो जो लिखा है जो फर्स्ट स्टेप में, वो फिजियोलॉजी है, ठीक है फ्रेंड्स, साइकोलॉजी नहीं। वो साइकोलॉजी मेरे गलती से मुझसे प्रोनाउंस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे दो बचे हुए थे थ्योरी, जिसमें कि एक थी थॉर्नडाइक की और दूसरी है कोहलबर्ग की थ्योरी बची हुई थी। और एक चीज मैंने और बताना भूल गया था फ्रेंड, मतलब कि बताने को कहा था आपसे कि प्रीमैक प्रिंसिपल आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। और हाँ फ्रेंड्स, इस दोनों थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की एक अलग से वीडियो इन डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि प्रीमैक प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर आर यूज टू रेनफोर्स लेस प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक मदर बच्चे को बोलती है कि पहले तू ये वेजिटेबल खा, तभी तुझे आइसक्रीम मिलेगा या दिया जाएगा। तो इसी को हम प्रीमैक प्रिंसिपल के अंतर्गत रखते हैं। यानी क्या हो गया, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, आइसक्रीम, ठीक है फ्रेंड्स। और लेस प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, वेजिटेबल। तो अक्सर पूछ लेता है फ्रेंड्स कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है आपको बना के, कि एक मदर है बच्चे को बोलती है कि पहले तू ये खा तो मैं तुझे ये दूंगी, तो उसे उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रीमैक प्रिंसिपल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन आप उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम अपनी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है। थॉर्नडाइक की थ्योरी में भी अक्सर क्वेश्चंस उठा के पूछता है फ्रेंड्स, और बहुत इजीली थॉर्नडाइक की थ्योरी को आप वहाँ पर जो मतलब कि क्राइटेरिया से, जो ट्रेडिशंस में से, थॉर्नडाइक की थ्योरी में से जो क्वेश्चंस पुटअप करता है सीटेट, वो मैं आपको यहाँ टू द पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपको इन डिटेल में ज़्यादा थ्योरी बताने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन सीटेट उठाता है कि नहीं, यहाँ से सीटेट में पेपर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो वो चीज मैं यहाँ टू द पॉइंट बताने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसे हम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, तो इसे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि लॉ ऑफ लर्निंग के लिए थॉर्नडाइक फेमस है, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग के लिए थॉर्नडाइक फेमस है, और उन्होंने अपनी थ्योरी को ऑफ कनेक्शनिज्म दिया है, ठीक है, अपनी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म दिया है। अब लॉ ऑफ लर्निंग में जो उन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दी है, वो कौन कौन सी लॉ ऑफ लर्निंग दी है, उसमें दो टाइप्स हैं। पहला है तो प्राइमरी लॉ, दूसरा है सेकेंडरी लॉ। तो हम प्राइमरी लॉ को देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्राइमरी लॉ में कौन कौन से प्राइमरी लॉ हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और अक्सर क्वेश्चंस पेपर आप उठा के देखिए फ्रेंड्स, तो पूछ लेता है सीटेट में कि प्राइमरी थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ कौन से हैं। चार, तो तीन नाम आपको सेकेंडरी लॉ का दे देगा और एक नाम आपका प्राइमरी लॉ का उठा के दे देगा, या तो आपको तीनों नाम प्राइमरी लॉ के दे देगा या एक नाम सेकेंडरी लॉ का दे देगा। तो आपको क्वेश्चंस हल करने में बहुत आसानी होगी फ्रेंड्स, आप खाली ये तीनों नाम याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस कहीं से भी पूछेगा थॉर्नडाइक में कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में, प्राइमरी लॉ में कौन से लॉ है और सेकेंडरी लॉ में कौन से लॉ है, आप तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि आपको ये खाली प्राइमरी लॉ में थॉर्नडाइक में खाली तीन ही नियम
यानी तीन ही लॉ बताए हैं जिसका नाम आप याद कर लीजिए, और उसको मैं अभी डिफाइन करूंगा कि रेडीनेस इफेक्ट और एक्सरसाइज में क्या क्या होता है जिसे उसको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जो समझा रहा हूँ फ्रेंड्स उसको समझ लीजिए। तो आप इन तीनों नाम को जाने रहोगे तो आप तुरंत पकड़ लोगे, क्वेश्चंस में आंसर तुरंत क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्राइमरी लॉ में कॉन्डेक ने क्या क्या बताया है, क्या मतलब जो तीनों प्राइमरी लॉ है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस जिसे हम तत्परता का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसे हम प्रभाव का नियम या सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे हम अभ्यास का नियम और सिद्धांत कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इफेक्ट को हम प्लेजर पेन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है इसे हम प्लेजर पेन लॉ भी कहते हैं, यानी कि अक्सर पूछ लेता है सीटेट में कि थॉर्नडाइक के प्लेजर पेन लॉ कौन से हैं, तो लॉ ऑफ इफेक्ट को हम प्लेजर पेन लॉ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है, तत्परता का नियम जिसे हम कहते हैं, मतलब आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर हो यानी तैयार हो, उसे ही हम लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि प्रभाव का नियम है ये, इसे मतलब कि इसमें क्या होता है कि आप चीज को सीखते हुए इंजॉय करते हो, इंजॉय करो यानी किसी चीज को सीखने में आप इंजॉय फील करो, इंजॉय करो तो, और इसमें सीखने में क्या होता है हमें पुरस्कार और दंड के महत्व को बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड। यानी प्लेजर पेन लॉ भी इसे हम कहते हैं, मतलब अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मतलब आप अगर इस लेक्चर को सुनते हुए इंजॉय कर रहे हो तो आप क्या है प्लेजर में हो, और अगर इसी लेक्चर को सुनते हुए आप पेन में हो मतलब आप जबरदस्ती सुन रहे हो तो आप ये पेन में हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं प्लेजर पेन लॉ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी को ही हम प्लेजर पेन लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट को। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, अभ्यास का नियम, फिर उस चीज का अभ्यास यानी कि किसी चीज को हम अभ्यास करते हैं तो उसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज में रखते हैं। अब फ्रेंड्स सेकेंडरी लॉ का जो लॉ आप थॉर्नडाइक ने दिया है उसका नाम आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी आप आसानी से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर लोगे थॉर्नडाइक के, अगर थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन पूछता है। हालांकि जो मैंने बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर सीटेट में पूछता है फ्रेंड, तो आप वो खाली प्राइमरी लॉ का नाम आप याद कर लो, आप सेकेंडरी लॉ ऑटोमेटिक उसमें से आप ढूंढ लोगे, क्योंकि प्राइमरी लॉ अगर तीनों उठा के देगा तो एक सेकेंडरी लॉ पूछेगा, एक नाम दे देगा तो उसमें आप पकड़ लोगे कि प्राइमरी लॉ तो ये तीनों है, और एक नाम जो अलग से डिफरेंट दिखेगा वही समझ लेना आप सेकेंडरी लॉ है। अगर सेकेंडरी लॉ दे दिया और उसमें प्राइमरी लॉ दे दिया तो प्राइमरी लॉ के आप तीनों नाम याद रखोगे तो आप उसमें पकड़ लोगे कट्स की प्राइमरी लॉ में थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ क्या लॉ ऑफ रेडीनेस बताया, लॉ ऑफ इफेक्ट बताया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कोलबर्ग का सिद्धांत या थ्योरी, देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पे थ्योरी दी है जिसे हम कोलबर्ग ने जिसे हम मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कहते हैं। कोलबर्ग ने थ्री लेवल बताए हैं और इस थ्री लेवल में सिक्स स्टेजेस दिए हैं। तो पहला जो लेवल है जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसे हम प्री कन्वेंशनल को हम क्या कहते हैं रूढ़ी पूर्व अवस्था में चिंतन कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं। अब इस लेवल में दो स्टेप बताए स्टेजेस बताए हैं कोलबर्ग ने, वो दो स्टेज का नाम देख लेते हैं। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट जिसे हम बाहरी सत्ता पर आधारित बोलते हैं, जो दूसरा चरण है जिसे सेकेंड स्टेज बोलते हैं, इसमें इंडिविजुअल एंड इन एक्सचेंज यानी व्यक्ति केंद्रित बोलते हैं जिसे इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अब लेवल टू क्या है कन्वेंशनल जिसे हम रूढ़ी का चिंतन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें भी दो स्टेज बताए हैं कोलबर्ग ने, और उस स्टेज का नाम क्या है, जो तीसरा स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इसमें क्या होता है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। चौथा स्टेज है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक मतलब चिंतन, ठीक है फ्रेंड। अब लेवल थ्री को हम क्या कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल जिसे हम रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन कहते हैं। स्टेज फाइव में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स आते हैं जिसे हम सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन बोलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स,
सॉरी फ्रेंड्स, ये नैतिक लिखा है सर फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दी से हो गया है फ्रेंड। नैतिक चिंतन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स लेवल 3 में, पोस्ट कन्वेंशन यानी रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। इसमें 5 स्टेज में जो स्टेज है इसमें क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, जिसे सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेज 6 में क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सार्वभौमिक नीति, सॉरी फ्रेंड्स, सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो लेवल 1 है वो लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो लेवल 3 है वो हायर लेवल होता है, ठीक है फ्रेंड। इस क्यों हायर लेवल होता है, क्योंकि इसमें रूल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल राइट्स एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि लेवल 1 में जो प्री कॉन्वेंशनल है, और ये लोवेस्ट मोरल होता है, लोवेस्ट मोरल होता है। इसमें जो स्टेज है, पहला स्टेज है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें बच्चा दंड के डर से यानी पनिशमेंट के डर से कुछ भी कार्य को करता है, जो बच्चे को कुछ सही गलत, जो मतलब कि जो कि बच्चे को कुछ सही गलत का पता नहीं होता है, बस वो दंड के डर से यानी पनिशमेंट के डर से आज्ञा मान लेता है, अगर हम उसको कुछ भी बोलते हैं इस स्टेज में, ठीक है फ्रेंड्स। आप सेकेंड स्टेज देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में, प्री कन्वेंशनल लेवल में जो सेकेंड स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट पर्पस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट होता है, इसमें जो टिट फॉर टैट, जिसे हम टिट फॉर टैट कहते हैं, यानी इस स्टेज का वो का मतलब होता है, अगर बच्चे को कोई खिलौना चाहिए तो वो दूसरे बच्चे को धक्का मारकर ले लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी टिट फॉर टैट, ठीक है। कैरोल गैलिकन ने वोमेन का केयर जो पर्सपेक्टिव नहीं किया गया है, और गोपालबक्की मेल जो मेल है वो जो मेल डोमिनेंट थ्योरी है, गोपालबक्की कौन है, मेल डोमिनेंट थ्योरी है, यानी कि ही ओनली कंसीडर द मेल परस्पेक्टिव नॉट द फीमेल, जेंडर बायस किया है, उन्होंने जेंडर बायस किया कोलबक ने, यानी कि वो कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ मेल एंड फीमेल परस्पेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो कैरोल गैलिकन ने वोमेन का केयर परस्पेक्टिव नहीं किया गया है अपनी थ्योरी में, केयर परस्पेक्टिव का परस्पेक्टिव नहीं किया है और नहीं किया है, और कोलबक ने इस पे मेल मेल पे यानी कि ही ओनली कंसीडर द मेल परस्पेक्टिव यानी नॉट द फीमेल, जेंडर बायस किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हिंज की स्टोरी क्या है, कोलबर्ग ने दी है, जो कि डेलिमा के स्टेज में है। डेलिमा मीन्स कंफ्यूजन, और सारी स्टोरी हिंज के डेलिमा को लेकर बनाई गई है, ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लेता है सीटेट में। और मैंने डेलिमा ये सब टर्म्स मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने टर्म्स पे भी बनाई है, कुछ टर्म्स हैं और भी बहुत से कुछ टर्म्स इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसको भी मैं पेपर से पहले पहले मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने वो टर्म्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाइए, टर्म्स वाली वीडियो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, और उसमें ये जितने भी अभी यहाँ पर भी मैं टर्म्स बताऊँगा वो वहाँ पर भी मैंने पहले से ही बता चुका है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो स्टेज को सेल्फ इंटरेस्ट रिवार्ड यानी टिट फॉर टैट भी कहते हैं, यानी कि तुम मेरे लिए ये काम करो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ठीक है, इसी को हम टिट फॉर टैट कहते हैं, जो कि ऊपर वहां पर मैंने भी बताया ना टिट फॉर टैट में, कि बच्चा अगर बच्चे को उस चीज को चाहिए, अगर उस बच्चे को वो नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा, उसको धक्का मार के वो चीज ले लेगा, ठीक है फ्रेंड। तो सेकेंड स्टेज होती है, इसमें बच्चा अपना फायदा देखता है, जो सेकेंड स्टेज होती है इसमें बच्चा क्या देखता है, अपना फायदा देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम सेकेंड स्टेज में रखते हैं। इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल भी कहते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। लेवल 2 यानी कन्वेंशनल मोरालिटी,
कन्वेंशनल मोरलिटी में जो तीसरा स्टेज आता है फ्रेंड्स, इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी गुड बॉय गुड गर्ल, इसमें दुनिया की नज़र में अपनी अच्छी इमेज बनाने की, मुझे कोई बुरा ना कहे ताकि मेरे साथ उनके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे बने रहे, ठीक है फ्रेंड, और मैं उनकी अपेक्षाओं पर बना रहूं और या खरा उतरा रहूं और मेरा इमेज ना खराब हो, इस स्टेज में ये होता है, ठीक है फ्रेंड, यानी गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। चौथा स्टेज है अथॉरिटी लॉज, अथॉरिटी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड, जो भी रूल्स बना है या बनाए गए हैं उन अथॉरिटी के द्वारा उन लॉज को हमें प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। चाहे मुझे दिख रहा है कि कुछ गलत भी है, बट आई कॉन्ट ब्रेक द फॉर आई कॉन्ट ब्रेक द सॉरी फ्रेंड, बट आई कॉन्ट ब्रेक द लॉ, ठीक है, अगर मैं लॉ को ब्रेक करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस जो लॉ के मतलब कि जो लेवल के जो फोर्थ स्टेज में ये बताया गया, ठीक है फ्रेंड, चाहे कुछ भी हो जाए लॉ को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब लेवल 3 में देख लेते हैं फ्रेंड, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट मोरल होता है इसमें, जहाँ अंदर से कुछ आवाज आएगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको हाईएस्ट मोरल लेवल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इस पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी में 2 स्टेज सब स्टेजेस कोलबर्ग ने बताए हैं। सब स्टेजेस में जो 5वां जो सब स्टेज है, जो 5th सब स्टेज है, उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स बोलते हैं। और इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, कि जो 5th स्टेज है इसमें जो लॉ बनाए गए हैं वो ठीक, यानी दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझे लग रहा है कि मेरी इंटेंशन सही है तो मेरा फंड जो जो मतलब कि जो डेमेंटल राइट है, यानी कि जो मेरा इंडिविजुअल राइट है कि मैं उस लॉ को ब्रेक कर सकता हूँ, इसमें हिंग्स का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कि वो कन्फ्यूजन की स्टेज में था कि मैं चोरी करूँ या ना करूँ, बट उसके पिता जो थे सॉरी फ्रेंड, उसको उसको पता था, बट उसको पता था कि वो जो चोरी करेगा वो गलत है, वो गलत है, लेकिन वो क्या है, वो सही है गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है, जो चोरी करेगा वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, उस इंटेंशन से वो चोरी करता है, अपने वाइफ को बचाने के लिए चोरी करता है, तो जो चोरी करेगा वो गलत नहीं है, वो सही है। इसी को हम हिंस के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसमें जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में जो सब स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स, इसमें यही चीज बताया गया है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो मेरा जो इंडिविजुअल राइट है कि मैं उस लॉ को ब्रेक कर सकता हूँ, इसमें हिंग्स का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से, कि जो वो कन्फ्यूजन की स्टेज में जब रहता है कि मैं चोरी करूँ या ना करूँ, बट उसको पता है था कि वो जो चोरी करेगा वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो सब स्टेज 6 है उसमें क्या कोलबर्ग ने बताया है, इसमें क्या है, यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल, यानी इनर कॉन्शियस, यानी जो भी बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हेंज गलत है कि केमिस्ट वाला गलत है जो उसे वो जो दवा देने से मना कर देता है, जो केमिस्ट वाला है वो उसको हेंज के पास पैसे ना होने से उसको दवा देने से मना कर देता है, तो अब आप बताइए कि हेंज गलत है कि केमिस्ट गलत है, तो जो सारे मतलब कि अंदर का जो कॉन्शियस कह रहा होगा कि या हिंज सही है वो केमिस्ट गलत है, आपके मन में आया होगा अगर आपने स्टोरी सुनी होगी हिंज की या पढ़ी होगी, तो क्या होता है कि जो हिंज होता है उसकी वाइफ बहुत बीमार होती है, वो उसके वाइफ को शायद में भी कैंसर होता है जो बचाना चाहता है उसको, तो बचाने के लिए वो केमिस्ट वाले के पास जाता है जो वो कैंसर की या जो भी दवा वो कॉस्टली रहती है बहुत, तो केमिस्ट वाले के हिंज के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो दवा देने से उसको मना कर देता है,
तो वो उस दवा को क्या करता है, हिंज जब नहीं पा पाता है, नहीं खरीद पाता है, तो उसके मन में आता है कि मैं उस दवा को चोरी कर लूँ या ना करूँ, मतलब चोरी करूँ या ना करूँ, वो डिलेमा में होता है कि अगर मैं अगर इस दवा को चोरी करके अपने वाइफ को दे देता हूँ तो मेरी वाइफ बच जाएगी। ये स्टोरी है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये समझिए पहले। स्टोरी तो आप पढ़ भी लोगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ये समझिए, यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल इनर कॉन्शियस में क्या कहा है कोलबर्ग ने। तो जो यानी कि आपको ये लगेगा कि हिंज गलत है कि केमिस्ट वाला गलत है, तो आपके अंदर से जो कॉन्शियस कह रहा होगा कि नहीं हिंज सही है, वो केमिस्ट वाला गलत है, कि वाइफ को बचाना था, सबकी जो इनर वॉइस है ना वो कह कह रही होगी कि ये सही है, और सभी की इनर वॉइस इक्वल है कि ये सही है। दैट इज स्टेज सिक्स, यानी जस्टिस इक्वलिटी जो कि इनर आवाज होती है, उसी को हम यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल यानी इनर कॉन्शियस कहते हैं, जो कि कोहलबर्ग ने सब स्टेज सिक्स में बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड देख लेते हैं मोरल डेवलपमेंट की फोर टर्म्स है जो कोहलबर्ग ने दिया है। मोरल रियलिज्म, मोरल कॉपरेशन, मोरल डेलिमा और मोरल रीजनिंग, ये चार जो डेवलपमेंट की जो चार टर्म्स हैं वो कोहलबर्ग ने बताया है। अब इसको इस टर्म्स को यहाँ पर मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टर्म्स पे बनाया हुआ है और उसमें वो टर्म्स में ये चारों जो डेवलपमेंट की मोरल की टर्म है वो वहाँ पर मैंने इंक्लूड करके बताया भी है, लेकिन एक बार मैं फिर यहाँ पर भी बता देता हूँ कि क्या है इसमें। तो जो मोरल रियलिज्म में क्या होता है कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं, दैट इज रूल्स आर फिक्स्ड, यानी रिजिड कहा जाता है उसे, इन रूल्स को वी कांट ब्रेक, यानी हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर इन रूल्स को हम ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट, जैसे कि रेड लाइट अगर आपने क्रॉस कर दिया ट्रैफिक में तो आपका क्या हो जाता है, चालान कट जाता है ना, तो वो एज अ पनिशमेंट के थ्रू आपका चालान कट जाता है, तो उसी को ही हम मोरल रियलिज्म कहते हैं। यानी कि हम उस जो रूल्स बने हैं, जो बनाए गए हैं सोसाइटी के तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको हम नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स मोरल कोऑपरेशन क्या है। मोरल कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कोऑपरेशन जो मतलब कोई कोऑपरेट करे, हमें समझे, अगर हम अगर आपकी इंटेंशन इज राइट, यानी तो आप जो रूल्स को ब्रेक कर सकते हो, यानी अगर आपका इंटेंशन राइट है उस चीज को, यानी जो रूल्स बने हैं उसको तोड़ने के लिए, आप तब तत्पर हो सकते हैं, आप तब तोड़ सकते हैं जब आपका इंटेंशन सही हो। अगर कोई रूल्स को आप सोसाइटी का रूल्स बनाया गया है, कोई सोसाइटी में अगर कोई रूल्स बने हुए हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स बने हुए हैं, अगर आप उसको तब तोड़ सकते हो जब आपको उस तोड़ने के लिए आपका इंटेंशन राइट हो, तभी आप उस रूल्स को तोड़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू रेड लाइट, हमें पता है कि रेड लाइट को के सिग्नल को तोड़ नहीं सकते, बट हम एम्बुलेंस को रेड लाइट पर जाने देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि एम्बुलेंस का इंटेंशन गलत नहीं है, उसकी इंटेंशन ठीक है, रूल्स को ब्रेक कर सकती है, इसलिए वो रूल्स को ब्रेक कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स मोरल डिलेमा क्या होता है। मोरल डिलेमा का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन की स्टेज, दैट इज अ कंफ्यूजन स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, कि कंफ्यूजन स्टेज क्या होता है कि ये सही है कि गलत है, ये क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूजन की स्टेज में, तो उस कंफ्यूजन की स्टेज को हम मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे कि हेंस, हेंस की जो डिलेमा थी वो कंफ्यूजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, यानी कि जो कोहलबर्ग ने एक लाइन लिखी है, नो मोरल चॉइस इज राइट, जब आप कुछ आपको कुछ लगता है कि ये सही है और आप उस चीज के लिए खड़े होते हो, तो वो दुनिया की नज़र में हमेशा गलत ही होगा। कोई भी मोरल चॉइस है जो सबके अंदर लगता है कि ये करना चाहिए बट कोई करता नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के नज़र में गलत ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम मोरल डिलेमा कहते हैं। मोरल रीजनिंग क्या होता है, जब आपको फाइनली जजमेंट देनी होती है दिमाग से कि ये सही है और ये गलत है, आप डिसीजन देते हैं फाइनली जस्टिस करना, तो उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग। क्योंकि ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, ये जो रिलेट करती है, से जो थ्योरी जो मोरल डेवलपमेंट से रिलेट करती है,
करती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इस चीज का ध्यान रखना, जब हम दिमाग से फैसला दें किसी चीज पर कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी देख लेते हैं फ्रेंड्स। थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी फ्रेंड्स कोहलबर्ग की थ्योरी यहीं पर खत्म होती है, समाप्त होती है। और जितने भी पॉइंट्स कोहलबर्ग की थ्योरी से पूछे जाते हैं वो पॉइंट को मैंने यहाँ इंक्लूड करके आपको डिफाइन भी किया है। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास पसंद आई हो, थ्योरी समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बचा है फ्रेंड्स एक थ्योरी में ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, उसको मैं करा दूंगा। और एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी मैं अगर देखूंगा फ्रेंड्स तो वो भी मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले पहले। लेकिन कल से मैं आपकी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चंस पेपर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास पसंद आई हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सब्सक्राइब अगर पसंद आए क्लास तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।